हमारे साथ एक और कॉलर हैं इस वक्त और ये हैं अरुण करनाल से। अरुण अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब, मेरा 22 साल पहले लंग्स का ऑपरेशन हुआ है और 20 साल पहले डबल ट्रांसप्लांट हुआ है जी, और मैं 8 साल से तकरीबन होमोडायलिसिस पे हूँ, डायबिटिक भी हूँ और हाइपरटेंशन भी है, और मेरी वाइफ ने किडनी डोनेट की हुई है, तो हमें वैक्सीन के बारे में एडवाइस कीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर राजू व्यास आप इसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि फरीदाबाद के संदीप सिंह हैं, स्क्रीन पर हम मैसेज फ्लैश कर रहे हैं, इन्हें पॉजिटिव प्लाज्मा की ज़रूरत है। हरियाणा सरकार या वहाँ वॉलंटियर्स अगर मौजूद हैं तो ज़रूर इनकी मदद कीजिए, और हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि ये मैसेजेस आप भेजिए, सरकार तक हम पहुँचाएंगे। गाज़ियाबाद यूपी में हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर, रेमडेसिविर इंजेक्शन की ज़रूरत है, मोबाइल नंबर सामने है, यूपी गवर्नमेंट अधिकारी उनके या फिर वॉलंटियर्स अगर इन तक रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुँचा सकते हैं तो ज़रूर पहुँचाएँ। जी डॉक्टर व्यास, जैसा कि आपने कहा कि आपका पहले एक लंग का ऑपरेशन हुआ, उसके बाद आपका मुझे ऐसा लगता है शायद किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो आप एक हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, इसलिए हमारा अनुरोध रहेगा और हम TV9 भारतवर्ष के सौजन्य से पिछले कई दिनों से इस मुहिम को चला रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसने किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की बीमारी उनको एसोसिएटेड हो, वो प्रोन है, उनको इन्फेक्शन या कोविड का इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है, या हम इसे ऐसे भी कहते हैं कि आप हाई रिस्क कैटेगरी के पेशेंट हैं, इसलिए आप लोग को तुरंत जाके अपना कोविड का वैक्सीनेशन लेना चाहिए, इससे आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और ये बात लगातार हम कह रहे हैं, सरकार कह रही है, हर कोई कह रहा है कि अगर हमें इस कोरोना को हराना है तो हर हाल में वैक्सीनेशन की तरफ जाना होगा। कोशिश कीजिए, ना सिर्फ खुद कोशिश कीजिए बल्कि अपने आस पड़ोस में, अपने जान पहचान वाले हर व्यक्ति को प्रेरित कीजिए कि वो जाए और वैक्सीन ज़रूर लगवाए, क्योंकि बिना वैक्सीन लगाए इस महामारी से हम नहीं लड़ सकते, ये बहुत साफ है। लेकिन इस सब के बीच में हम आपको एक नंबर ज़रूर बता देते हैं, ये नंबर व्हाट्सएप नंबर है 7428198655। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको जो भी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की, बेड की या वेंटिलेटर की, आप अपने मैसेजेस भेजिए, हम कोशिश करेंगे सरकार तक ये बात पहुंचाने की। और पंजाब से इस वक्त मोहन लाल हमारे साथ में मौजूद हैं। मोहन लाल जी अपना सवाल पूछिए। हाँ राहुल जी, मेरा प्रॉब्लम ये है कि भी मेरी जो एज है वो 73 है और 22 नवंबर को मैं पॉजिटिव हुआ था, कोरोना पॉजिटिव हुआ था और मेरा इलाज चला था, 11-12 दिन चला था जी। उसके बाद मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया था क्योंकि मेरी इम्यूनिटी जो ठीक थी, लेकिन उसके बाद मैंने अभी तक कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरे को कोई बुखार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, नथिंग इज वेयर, कुछ भी नहीं है, तो मेरे बच्चे सब लगवा चुके हैं और वो प्रेस्ट कर रहे हैं कि भी मुझे भी ये इंजेक्शन लेना चाहिए, क्या इंजेक्शन लेना अति जरूरी है, आवश्यक है जी? डॉक्टर गौतम, यदि आपके बच्चे इस प्रकार के आपसे अनुरोध कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो आपके स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा चिंतित हैं, इसलिए बिल्कुल आपको इस बात की सलाह को माननी चाहिए। बस मेरी आपको सलाह है कि सामान्यतया यदि किसी मरीज को कोविड इन्फेक्शन हो जाता है तो कोविड इन्फेक्शन होने के कुछ दिन तक जी, मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब आपकी थोड़ी सी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर राजू व्यास, क्या आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर पाएंगे? बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब जो अभी कह रहे थे, उनका कहने का तात्पर्य यह था कि आपके बच्चे अगर इस बात के लिए जिद कर रहे हैं तो वो आपके हेल्थ के प्रति एक प्रकार से चिंतित हैं, और इसी के कारण से उन लोगों का जो निवेदन है कि आपको जो है जाके वैक्सीनेशन कराना चाहिए, तो आप लोगों को, आप उनकी रिक्वेस्ट बिल्कुल ही सही है और वो सही सही सलाह आपको दे रहे हैं, आपको बगैर डरे तो इस सलाह को मानिए और कोशिश कीजिए कि जल्दी से जाइए और वैक्सीन जरूर लगाइए जी। लेकिन इस सब के बीच में स्क्रीन पर हम एक मैसेज और फ्लैश कर रहे हैं, इंदौर MP में ए पॉजिटिव प्लाज्मा की जरूरत है, मध्य प्रदेश सरकार वॉलंटियर्स अगर हो सकें तो जरूर मदद करें इनकी। पंजाब से इस वक्त सुरेंद्र हमारे साथ में, सुरेंद्र जी सवाल पूछिए अपना। सर मैंने जो कोविड वैक्सीन है मैंने इंजेक्शन लगवा लिया, महीना हो गया, तो मेरे को पहले ना BP बहुत बढ़ता था जी, तो BP अब मेरा नॉर्मल रहने लग गया है, तो दूसरी वैक्सीन मेरे को लगवा लेनी चाहिए वो भी? डॉक्टर गुप्ता, वैक्सीन लगवानी चाहिए अगर कोविड से ठीक होने के 15 दिन बाद, कम से कम मैक्सिमम 3 महीने के अंतराल पे आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन होने के बाद एंटीबॉडी टाइटर बढ़ जाता है, बट इतना नहीं होता कि आपको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी दे सके, लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी चाहिए तो आपको बूस्टर डोज लगवानी पड़ेगी।
डॉक्टर गौतम, एक सवाल जो लोगों का बहुत कॉमन आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो लोग कोरोना नेगेटिव हो रहे हैं उनका पल्स रेट बहुत हाई हो रहा है, मतलब 90 जितना होता था उनका वो 100, 102, 103, 104 ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ये किस वजह से हो रहा है और क्या ये खतरनाक है, इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल सही है और ये एक बहुत ही कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जो लोग कोरोना बीमारी से रिकवर हो चुके हैं उनकी पल्स रेट ज़्यादा हो जा रही है। इनके इसके दो तीन वजहें हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट वजह यह है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रखते हैं। कोविड से रिकवर होने के बाद बहुत सारी शंकाएँ रहती हैं जिनका समाधान नहीं हो पाता, एक वजह यह है। दूसरी वजह यह है कि उनके लंग्स जो होते हैं अभी भी रिकवरी फेज में होते हैं, जिनकी वजह से हर्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन लेने के लिए काम करना पड़ता है। नंबर थ्री, क्योंकि ये कोरोना एक प्रकार की बीमारी है, वायरल इलनेस से जब भी कोई पेशेंट रिकवर होता है तो हर्ट ज़्यादा रेट से धड़क के उसको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट देने की कोशिश करता है। तो ये दो या तीन वजह हैं जिससे सामान्यतया हम ये देख रहे हैं कि पोस्ट कोविड पेशेंट्स में हर्ट रेट बढ़ जा रही है। परंतु मैं ऐसे मरीजों को यह कहना चाहूँगा कि वो इससे किसी भी प्रकार से पैनिक ना हो, यह एक तरीके का रिकवरी का साइन है। अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रखें, उससे आपकी आधे से ज़्यादा परेशानी दूर हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये परेशानी और इस सब रही है तो फिर आपको निकटतम कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।